नमस्कार, हमारी खास पेशकश आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। आपकी खबर में हम आपको दिखाएंगे आपसे जुड़ी दो ऐसी खबरें जिनका सीधा सरोकार और वास्ता है आपसे। ये दोनों खबरें आपसे जुड़ी हैं। आपसे जुड़ी पहली खबर की बात करें तो बच्चे अक्सर ही स्कूल जाने से बचते हैं। वहीं एक ऐसी छात्रा जिसने एक भी दिन स्कूल मिस नहीं करने का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं एक और खबर की बात करें तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद से ही ये एप्स की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। आपने अक्सर ही देखा होगा कि पढ़ाई और स्कूल से बचने के लिए बच्चे कई बार मौसम, त्योहार या कोई ना कोई बीमारी का बहाना कर स्कूल से एक या दो दिन की छुट्टी तो मार ही लेते हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भोपाल में कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट आदित्य भार्गव ने 15 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। नर्सरी से उस स्कूल जाने की ऐसी लगन लगी कि उन्होंने नर्सरी से लेकर 12वीं तक स्कूल से एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। आपको बता दें कि आदित्य की इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय ने यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया है। यह खबर आपसे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं जहां कॉर्मल कॉन्वेंट की छात्रा आदिति भार्गव ने यह रिकॉर्ड बनाया है। वहीं इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ आदिति भार्गव मौजूद हैं और साथ ही उनके पिताजी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का डीएनएन में बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले आदिति, सवाल यही कि जिस तरह की मिसाल आपने पेश की है तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसा फील हो रहा है इस समय आपको? सबसे पहले तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि अपने नेशन को ग्लोबली प्रेजेंट कर रही हूँ मैं, और वो बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, मुझे मिला, उसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। मेरी इंस्पिरेशन मेरी खुद की फैमिली थी क्योंकि मेरी दीदी खुद स्कूल जाती थी तो मैं भी जाना पसंद करती थी, एंड मम्मी पापा इतनी मेहनत करते थे तो उसको जस्टिफाई करना था। जी बिल्कुल भार्गव जी, जिस तरह से अदिति ने बताया और जिस तरह से अदिति ने एक नजीर पेश की है, हर बच्चे को इस तरह की एक पहल करनी चाहिए, आपको इस समय कैसा महसूस हो रहा है? बेटी ने एक मिसाल पेश की है आखिर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है जी, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरी बेटी ने वर्ल्ड में नाम किया है और अपने देश का नाम किया है, प्रदेश का, स्कूल का नाम भी रोशन किया है और हमारा भी किया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। अदिति, कैसे ये मन में आया कि क्या मतलब स्कूल से इतना लगाव था, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि बच्चे स्कूल जाने से बहुत बचते हैं, कई बार मौसम का, बीमारियों का बहाना बना लेते हैं और एक ना एक छुट्टी तो ले ही लेते हैं। आपको ऐसे कैसे लगा कि मुझे रोज स्कूल जाना है, एक भी दिन स्कूल मिस नहीं करना है? मेरा ये था कि पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, एंड मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी जी। तो मैं ये मेरे ख्याल से कि अगर आप स्कूल जाओगे तो आपकी स्टडीज वहां पर हो जाती है, तो आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती और उससे आप अदर एक्टिविटीज पे फोकस कर सकते हो, तो इसीलिए मैं स्कूल जाना ज्यादा पसंद करती थी। तो बचपन से ही अदिति तुम्हें ये शौक रहा है कि मुझे स्कूल जाना है, मतलब कभी एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि नहीं आज मन नहीं है, या घर में कई बार फैमिली फंक्शंस होते हैं तो मन करता है कि हम भी घर में रुकें, सेलिब्रेट करें, तो कभी मन नहीं किया कि नहीं आज नहीं जाना है स्कूल? करता था फिर, एज आई सेड मुझे स्टडीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा था क्योंकि स्टडीज आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकती बट फंक्शंस आ सकते हैं। ओके वही भार्गव जी, जिस तरह से आदिति ने कहीं ना कहीं एक उसका संघर्ष ही कहा जाएगा, इस तरह आपको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा अपनी या बच्ची को सपोर्ट करने के लिए, आपने क्या कुछ सैक्रिफाइस किए? परेशानी तो कई बार हुई जी, मना भी इससे किया एक दो बार कि भाई मत जा आज बारिश आ रही है, या कभी शादी से लौटे हैं रात में 2-3 बजे तो इससे बोला कि आज मत जाओ स्कूल, लेकिन ये नहीं मानती थी, बराबर स्कूल जाती थी, कभी बारिश हो रही है, बस छूट गई है, कुछ भी है तो इसको छोड़ने जाना पड़ता था, बिल्कुल जिद करती थी, अड़ जाती थी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल, स्कूल जाना ही रहता था इसको। अच्छा जी, और आदिति किस तरह का ये श्रेय किसे देना चाहेंगी, कैसे दिमाग में आया कि जाना ही है, और स्कूल की टीचर्स को श्रेय जाता है इसका या पूरी फैमिली को श्रेय जाता है, कैसे, पूरा अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो भगवान को श्रेय जाएगा क्योंकि उनने मुझे हेल्दी रखा तो मैं स्कूल जा पाई। देन मेरी पूरी कार्मल फैमिली, मैं कार्मल BHEL की स्टूडेंट रही हूँ, एंड मेरी पूरी फैमिली जिनके सपोर्ट के कारण मैं जा पाई जी। आदिति, स्कूल वालों का क्या रिएक्शन रहता, कभी किसी ने मोटिवेट किया है या किसी ने कभी ये नहीं बोला कि आदिति रोज स्कूल आ रही है, किस तरह का अप्रिशिएशन स्कूल की तरफ से मिला? बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस थे लोगों के कि एटलीस्ट
मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने स्कूल को, और स्कूल को भी प्राउड फीलिंग हुई, तो इट वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर माई स्कूल एज वेल। ओके सर, आपका क्या कुछ कहना है, किस तरह का प्राउड फील आप आज करते हैं जिस तरह से देख रहे हैं कि अदिति को इतनी उपलब्धियां मिल रही है और अदिति में बहुत सारी प्रतिभाएं भी है, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, मेरे दो बेटियां हैं और दोनों बेटियां अलग, दोनों ब्लैक बेल्ट हैं कराटे में। बड़ी वाली जो आस्था भार्गव है जी, उसने कराटे में नेशनल में ओपन में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। अदिति भी ब्लैक बेल्ट है, दोनों को ब्लैक बेल्ट कराया कराटे में, और जो भी इनकी रुचि रही जी जी, वो मैंने करने दिया और पूरी साधन सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई ताकि इनकी जो इच्छा है करने की, बनने की, वो बने। मैं और पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगा कि वो बच्चियों को कभी पढ़ने से ना रोकें, आगे बढ़ने से ना रोकें, उनकी जो रुचि है उसको पूरा करें, उसको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। बच्चियां बहुत नाम कर सकती हैं जी, कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है बच्चियों के सपोर्ट में। सर देखा जा, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि आपकी एक और बच्ची कराटे में एक्सपर्ट है, तो क्या वो भी इसी तरह क्या करती है कि स्कूल एक भी दिन मिस नहीं करना है, उसे भी बड़ा इंटरेस्ट है स्कूल जाने का? वो इस समय LLB कर चुकी है और उसका भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा है, उसी को देख के अदिति को ही इंटरेस्ट आया। वो भी फुल अटेंडेंस वाली थी, लेकिन तब हमको जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी रिकॉर्ड बन सकता है, तो इसलिए उसको कुछ हमने कर नहीं पाया आगे। इसका तो हमको पता चला तो जब स्कूल से रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला जी, कि आप कंटिन्यू उपस्थित रही हैं इतने साल तक जी, तो जी, उसके जी। बाद फिर हमने ऑनलाइन अप्लाई करके ये सब सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, तो अब वो धीरे धीरे आते जा रहे हैं, अभी गिनीज बुक में भी पेंडिंग है जी। भार्गव जी, ऐसा कभी हुआ है, ऐसा कोई वाक्या आपके नजर में हो, जैसे आपने बताया कि समस्याएं तो कई आई होंगी, जाहिर सी बात है इतना बड़ा रिकॉर्ड अदिति ने बनाया है, समस्याएं कई आई होंगी, ऐसा कोई वाक्या जहन में जो लगा हो कि नहीं मैं कहीं बाहर हूं और मुझे बच्ची की वजह से घर पहुंचना ही है क्योंकि उसे स्कूल जाना है? मैं पिछले 13-14 साल से मंत्री स्टाफ में रहा हूं जी, और वहां हमेशा काम की कोई वो सीमा नहीं रहती कि कितने बजे तक आपको काम करना है, कब क्या जरूरत है, कभी भी ऑफिस बुला लिया जाता है। तो अनेकों बार ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस में हूँ और इसको स्कूल जाना है, बस मिस हो गई है, तो मैं वहाँ से भागा हूँ और इसको छोड़ के फिर काम से गया हूँ अपने, तो ऐसी कई बार परेशानी आई है, क्योंकि जब बिटिया भी बाहर रहती थी, बड़ी वाली भी, वो ग्वालियर में पढ़ती थी और घर में मिसेज को गाड़ी चलाना नहीं सीखा था, तो परेशानी होती थी, इसको छोड़ने जाना पड़ता था। लेकिन जी जी जी, अदिति अपने बारे में कुछ बताइए, एज अ स्टूडेंट किस तरह की स्टूडेंट्स रही हैं आप? मतलब बहुत इंटेलिजेंट तो जाहिर सी बात है ही, एक दिन भी स्कूल मिस नहीं किया होगा तो इंटेलिजेंट तो हो ही, और कुछ बताइए अपने बारे में। जैसे पापा ने बताया, मैंने ब्लैक बेल्ट करा हुआ है कराटे में, साथ में मैं NCC कैडेट रही हूँ, देन मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, पेंटिंग करती हूँ, राइटिंग करती हूँ, देन बिसाइड्स दिस मैंने अपने स्कूल को एज अ सोशल सर्विस मिनिस्टर सर्व किया है, तो उसके थ्रू हम लोग ने सेंट्रल जेल भोपाल में भी एक दिवाली प्रोग्राम होस्ट किया था, सो आई वॉज द होस्ट फॉर दैट होल प्रोग्राम एंड मेनी अदर स्किल्स आई हैव। ओके अदिति, आपको देखकर बाकी बच्चों पर क्या कुछ असर देखने को मिला, कुछ सीखा उन्होंने आपसे? जी, मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं या मेरे अभी के को क्लासमेट्स सब बोलते हैं यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी, एंड उन लोग को मैं बहुत इंस्पायर करती हूँ, एंड मेरा लाइफ का एक एम था ये कि मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ, वो फ्रूटफुल हुआ उसका। ओके भार्गव जी, जैसा कि अक्सर देखा जाता है रिश्तेदारों की बड़ी एक शिकायत रहती है कि कम से कम एक दो दिन के लिए तो हमारे यहाँ आए या कोई फंक्शन अटेंड करें, कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है कुछ फंक्शन अटेंड करना, किस तरह का महसूस किया आपने कि एक तरफ बेटी का स्कूल मिस भी नहीं होने देना है और रिश्तेदारों का कार्यक्रम भी अटेंड करना है, किस तरह की चीजें देखी? रिश्तेदार तो काफी नाराज भी हुए कई बार जी, कि उनके यहाँ शादी में नहीं गए, कोई प्रोग्राम में नहीं गए, तो हम आपस में ऐसा करते थे कि कभी मैसेज चली गई, कभी मैं चला गया, इसके पीछे एक को किसी को घर पर रुकना ही पड़ता था क्योंकि ये नहीं जाती थी बिल्कुल कार्यक्रम में, बोले नहीं पहले मेरे को स्कूल, इसके बाद छुट्टी अगर है तो ये चली जाती थी, नहीं तो नहीं जाती थी बिल्कुल, तो इसके पीछे एक को रुकना ही पड़ता था जी। भार्गव जी, अब रिश्तेदार तो आपको आपके इस पहल को या बेटी के इतने बड़े अचीवमेंट को देखकर आप समझ तो गए होंगे कि आपका कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाइस करना किस तरीके से देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं आज बेटी ने इतना बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे रिश्तेदारों को? नहीं, रिश्तेदार भी अब मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा करा, नहीं आए तो ठीक रहा, बोले रिकॉर्ड तो बन गया बेटी का, बेटी ने नाम तो किया, तो अभी कोई नाराज नहीं है, अब सब खुश हैं अब इस तरह। जी जी,
अदिति क्या कुछ आगे के लिए सोचा है, फ्यूचर में क्या कुछ एम्स हैं आपके? मुझे सबसे पहले अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है, इसको 15 इयर्स से 20 इयर्स का बनाना है। देन लाइफ में मुझे सिविल जज बनना और इंडियन आर्मी को सर्व करना है। अभी से तैयारियां शुरू कर दी अदिति ने? जी। ओके, किस तरह की तैयारियां, किस तरह का रूटीन कुछ बताइए। अभी मैंने BLLB ऑनर्स में इनरोल करा है एंड सेकेंडली मैं साइड बाय साइड सारे करंट अफेयर्स एंड ऑल जो सिविल जज के पेपर में काम आएंगे वो सब पढ़ती हूँ। ओके अदिति, सुबह से किस तरह का रूटीन आपका दिन भर रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचेगी तो और भी बच्चों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कैसे क्या अदिति पढ़ाई को टाइम देती है, कब किस चीज़ को टाइम देती है? जी, आई यूजुअली वेक अप एट 5 or 5:30, देन सम योगा एंड ऑल, देन आई हैव माय क्लासेस ऑनलाइन एट अबाउट 10 इन द मॉर्निंग टिल 3, देन उसके बाद ब्रेक एंड माय लंच एंड ऑल, देन आई स्टार्ट स्टडींग फॉर अबाउट 2 to 3 hours, देन फैमिली टाइम एंड डिनर, देन आई स्लीप यूजुअली बाय 10। ओके भार्गव जी, आप अदिति में कौन कौन सी प्रतिभा देखते हैं? ये तो एक उसका टैलेंट है ही, ये उसका एक इंटरेस्ट है, आप और कौन सी प्रतिभा उसमें देखते हैं? वो जो सोच लेती है उसको कर देती है पूरा, कभी उससे पीछे नहीं हटती। जैसे उसने स्कूल में सोशल मिनिस्टर बनने के लिए उसने पहले ही कहा था कि मैं यूनियन में आऊंगी इस बार, तो मैंने कहा ठीक है कर लो कोशिश, तो वो उसमें यूनियन में आ गई कैबिनेट में स्कूल की। और स्कूल में टीचर्स को भी जो भी काम वो बताती थी पूरा काम करती थी, इसके स्कूल में जो भी फंक्शन होते थे तो ड्राइंग पेंटिंग बहुत यही करती थी जी, अधिकतर जिसके इसके स्कूल में जो भी कार्यक्रम होते थे उनमें ड्राइंग पेंटिंग बाकी और भी सजावट वगैरह का काम जो था वो सारा यही करती थी, तो इसके स्कूल की प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ भी इससे बहुत प्रसन्न रहता था। जी भार्गव जी, जैसे अदिति ने अपने एम्स बताए हैं कि फ्यूचर में वो क्या कुछ करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, आप उसे लेकर किस तरीके से देखते हैं, आप उसे कहाँ देखना चाहते हैं फ्यूचर में, कितना सपोर्ट आपकी तरफ से? नहीं, उसका सिविल जज बनने का एम है जी, तो मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ाई पूरी करते ही बन जाए, और अभी से उसने पूरी तैयारी करना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैं भी उसे बताता रहता हूँ, क्योंकि मैंने भी लॉ ग्रेजुएशन किया है, मैं उसे बताता रहता हूँ कि अभी ये पढ़ लो बेटा, अभी ये पढ़ लो, तो जब भी फ्री टाइम होता है स्टडी से तो वो अध्ययन करती है उस चीज़ का। जी भार्गव जी, जिस तरह से अदिति के इस रिकॉर्ड में देखा जाए तो आपके रूटीन में कोई परिवर्तन, क्योंकि उसका तो एक रूटीन उसने बताया, आपके रूटीन में कोई परिवर्तन, घर में किस तरह का माहौल? घर में इसकी मदर ने बहुत मेहनत करी है जी, सुबह 4:30 बजे उठ जाना, बिल्कुल, फिर इसका लंच तैयार करना, इसको तैयार करना, स्कूल भेजना, पूरा काम वो ही मैसेज देखती थी मेरी। मैं तो कभी बस छोड़ने जाना है, लेने आना है, ये काम करता था बस, ये कभी बस मिस हो गई है तो छोड़ के आना है, बाकी सारी तैयारी उसके मदर करती थी जी, उन्होंने बहुत मेहनत करी जी। जी अदिति, और कौन कौन सी हॉबीज हैं आपकी? पेंटिंग है, कुकिंग है, डांसिंग है, देन थोड़ा बहुत सिंगिंग कर लेती हूँ, राइटिंग करती हूँ। ओके, और क्या कुछ करना चाहती हैं इसके अलावा? सिविल जज तो बनना ही है, ये तो आपका एम हो गया, इसके अलावा कोई पैशन? इंडियन आर्मी को सर्व करना है। ओ भार्गव जी, जिस तरह से अदिति ने बताया, और क्या कुछ आप उससे उम्मीदें करते हैं? मुझे तो बहुत उम्मीद है, मेरी दोनों बेटियों से बहुत उम्मीद है। मैं आज के जमाने में देखता हूँ कि बेटों से ज़्यादा अच्छे से बेटियाँ करती हैं माता पिता का नाम रोशन, तो वो कर रही हैं, मेरी दोनों बेटियों ने मेरा नाम रोशन किया है, क्योंकि नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल ओपन चैंपियनशिप में जीता था उसने जी, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके बाद अभी इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ ही गया है जी, तो मैं तो बहुत खुश हूँ दोनों बेटियों से। भार्गव जी, पढ़ाई के वक्त आप कितना समय दे पाते हैं? आप भी उसे कभी पढ़ाते हैं या कोई किसी तरीके की शिक्षा की ये कर लो वो कर लो टाइप्स? हाँ, वो मैं कभी बताता हूँ उसको जी, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से हूँ, उसकी बड़ी सिस्टर भी उसी फील्ड से है, तो वो भी इसकी मदद करती है और मैं भी फील्ड में इसके मदद करता हूँ, बताता हूँ। अभी तो इसका फर्स्ट ईयर ही है, तो जैसे इसको कोई प्रॉब्लम आती है या आगे के लिए कुछ पूछना है, सिविल जज में कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, तो वो सब बताते हैं, दोनों उसकी मदद करते हैं जी। जी जी, बिल्कुल, मतलब देखा जाता है कि अक्सर बेटियां कहते हैं ना कि पिता के काफी करीब होती हैं, तो दोनों ही बेटियां आपसे किस तरह का डिस्कशन करती हैं अपने एम्स को लेके, फ्यूचर को लेके, आप कितने क्लोज हैं अपनी बेटियों से? दोनों बेटियां मेरे से बिल्कुल फ्रेंड की तरह हैं जी,
कुछ भी बात होती है दोनों मेरे से उसको सर्व करती हैं, बात करती हैं उस विषय में कि पापा ऐसा है ऐसा है, ऐसा करना है हमको, ये करना है हमको, तो मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ उनका। तो कहीं भी टोकता नहीं हूँ उन्हें कि नहीं ये नहीं, जहाँ अच्छा है अच्छी बात बता दी, जहाँ गलत है तो वो गलत बता दिया कि ये गलत है, तुम अब इस बारे में और सोच लो। जी जी बिल्कुल जी। और भार्गव जी, जैसा देखा जाए कि आपने बताया कि उनकी मम्मी ने भी बहुत मेहनत की है, तो किस तरह की मम्मी का सपोर्ट किस तरह से रहा? पूरा सपोर्ट रिकॉर्ड में मम्मी का ही ज्यादा रहा है जी। मेरा तो बहुत कम है, मैं तो बस स्कूल छोड़ना लाना ये करता था और कभी थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, बाकी पूरा मदर ही पढ़ाती थी। आज तक बच्चे दोनों मेरे कोचिंग नहीं गए कभी भी, फुल अटेंडेंस देते थे, स्कूल में जाते थे और वहीं से फिर पूरा पढ़ के आते थे, फिर घर पे पढ़ना, होमवर्क करना, सब करना, बाकी कोचिंग कभी नहीं गए। अगर बच्चे फुल अटेंडेंस रहेंगे स्कूल में तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है, बिल्कुल। कोचिंग का टाइम बचेगा। जी आदिति, हमारे दर्शकों को या कहे जो दर्शक स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं हमारे, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ऐसा कि आप लोग जो करें उसमें फुल डिटर्मिनेशन, फुल फोकस के साथ करो। लाइफ में ऐसा कुछ काम नहीं होता, अगर वो सही है तो आप अचीव कर सकते हो। अगर आपके माइंड में उसके लिए कोई सेकंड थॉट आ रहा है तो आप उसको फिर से चेक करिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जी जी। भार्गव जी, हमारे दर्शकों को, माता पिता को और बच्चों को क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, बहानेबाजी ना करें, तो फिर आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में इतना कुछ पढ़ा दिया जाता है कि घर पे आके आप एक बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में रहेगा जी। और माता पिता को भी कहना चाहूंगा कि वो बच्चों को स्कूल जाने के लिए नहीं रोकें। जैसे माता पिता को भी कहीं घूमने जाना है, कुछ करना है, अरे आज मत जाओ स्कूल रहने को, तो ये सब चीजें ना करें। पहले उनकी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि वो उनका भविष्य बन जाएगा जी जी, अगर आप उन्हें स्कूल जाने देंगे तो। और माता पिता अगर रोकेंगे तो फिर बच्चे का कुछ नहीं कह सकते कि क्या भविष्य रहेगा, वो फिर कोचिंग पे डिपेंड रहेगा, कोचिंग में टाइम खराब करेगा, कोई मतलब का नहीं है। जी जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपके ही सपोर्ट से, आपके ही श्रेय से अदिति ने आज इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमने देखा कि एक छात्रा जो स्कूल के प्रति इतनी लगन से स्कूल गई है कि उसने एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जहां आज पूरे देश का, भारत का नाम रोशन किया है। जिस तरह से हमने देखा कि अदिति भार्गव ने अपने नाम ये रिकॉर्ड दर्ज किया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।